पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के मुकाबले जारी हैं। आज खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का आमना सामना होगा। मैं हूं आपका होस्ट अदनान अब्बास और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लवर यूट्यूब चैनल। मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के आगाज़ में ही कराची किंग्स से मद्दे मुकाबला आई थी। मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को पहले ही मैच में शिकस्त से दोचार किया था। अब दूसरे राउंड में कराची किंग्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो सकती है, जिसमें मोहम्मद रिजवान, रोयली रूसो, टिम डेविड, शुएब मकसूद, इमरान ताहिर, शान मसूद, खुशदिल शाह, शाहनवाज धानी, अनवर अली, अब्बास अफरीदी, ब्लेसिंग मुगरबानी शामिल हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम काफ़ी मजबूत टीम है, जिसने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के दूसरे राउंड में सिर्फ एक मैच में शिकस्त का सामना किया है। मुल्तान सुल्तान के पास काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान और शान मसूद जो कि ओपनिंग में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि बॉलिंग में इमरान ताहिर, शाहनवाज धानी और ब्लेसिंग मुजरबानी बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि खुशदिल शाह जो कि बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शन भरते हुए बेहतरीन स्पिनर सामने आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को पिछले मैच में भी शिकस्त से दोचार किया था। इस मैच में भी कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान के हाथों शिकस्त से दोचार हो सकती है। कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा नाकाम रहने वाली टीम है। कराची किंग्स जो कि कप्तान बाबर आजम की क्यादत में पहली बार इस सीज़न का आगाज़ कर रही थी, ने इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कराची किंग्स की प्लेइंग 11, जिसमें बाबर आजम, इमाद वसीम, क्रिस जॉर्डन, लुइस गेरिगुरे, जॉय क्लार्क, शर्जील खान, अमर यामीन, मैद आसिफ, कासिम अकरम और तलहा एहसन शामिल हैं। कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की वो वाइट टीम है, जिसने अब तक किसी भी मैच में फतह हासिल नहीं की। कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ सिर्फ एक रन से शिकस्त से दोचार हुई, जबकि कराची किंग्स अपने इफ्तिताही मैच में भी मुल्तान सुल्तान के हाथों शिकस्त से दोचार हो चुकी है। मुल्तान सुल्तान वो वाहिद टीम है जो अपने 7 मैचों में से सिर्फ एक मैच में शिकस्त से दोचार हुई है। कराची किंग्स के बहुत से खिलाड़ी इंजर्ड हो जाने की वजह से और कोरोना की वजह से बहुत से खिलाड़ी ना खेल पाए, जिसकी वजह से कराची किंग्स काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। कप्तान बाबर आजम जो कि पहली बार इस टीम को सीजन 7 में लीड कर रहे थे, कराची किंग्स की परफॉर्मेंस से काफ़ी मायूस हैं। क्या कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे सकती है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।